हेलो, वेलकम टू द लर्निंग तक। फाइनली मैं आपके लिए टेंसेस के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। टेंस समझ में नहीं आते सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर टेंस समझ में नहीं आते, टेंस हमारे लिए महाभारत है, टेंस हमने बहुत बार पढ़ लिए लेकिन फिर भी माइंड में सेट नहीं हो रहे हैं। जितने भी टेंस से रिलेटेड आपके डाउट है, आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट है वो निकल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, दो चीज़ों की डिमांड मैं कर रहा हूँ। दो प्रोमिस आप करो मेरे से कि आप वीडियो लास्ट तक देखोगे, सेकंड आप अटेंशन के साथ देखोगे। देखो, अटेंशन और टाइम दोनों कंपलसरी है सीखने के लिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपका टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा पार्टिकुलर टॉपिक को, और आपको अटेंशन के साथ में वो टॉपिक है क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज जो है टेंस में मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस। वैसे टेंस का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बेसिक टेंस की सारी डिटेल्स है वो मैंने दे रखी है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो बेसिक टेंस है वो मैंने बताए हैं। और आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे जो 12 टेंसेज है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में हिंदी के साथ में मैं बता दूंगा, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना कि सारा बोर्ड भी इंग्लिश में लिखा तो हिंदी में क्यों नहीं लिखा। तो हिंदी भी मैं साथ में आपको बताता रहूँगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी इसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट टेंस है जो हमें पढ़ना होता है। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मैंने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस लिया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एससीएस का यूज करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, की आपको गैप फिलिंग करनी हो, चाहे आपको करेक्ट फॉर्म का यूज करना हो, चाहे आपको टेंस किसी भी फॉर्मेट में आपको यूज करना हो, तो ये वीडियो आप मैं ऑल ओवर जो डाउट्स होते हैं उन सबको लेकर मैं बना रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखना, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, तो आप आराम से हर एक चीज़ को नोट करना। ठीक है, अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठते हो तो आप सारी चीज़ें नोट भी कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट है आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका यूज करते हैं, एसीएस का भी यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। देखो यहाँ पर जो मैंने ऑब्लिक लगा रखा है इसका मतलब है कि या तो हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है या फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें एसीएस का यूज करना है। अब कब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, कब एसीएस का यूज करना, ये भी मैं बता दूंगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। अब पहले हमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही ड्रिंक कॉफी, इसके अंदर जो गैप है उसमें मैं ड्रिंक्स लिखूंगा, ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स कॉफी। और ये जो एग्जाम्पल है दे ड्रिंक कॉफी, इसमें जो है मैं ओनली ड्रिंक फील करूंगा। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें ये डिफरेंस है कि इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ मैंने किसका यूज किया, एस का यूज किया है, और इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो मैंने है वैसे ही फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अब आपके दिमाग में ये क्लिक किया होगा कि सर फर्स्ट सेंटेंस में आपने एस का यूज किया और सेकंड में आपने ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, तो ये कैसे, मतलब एस, एक में एस लगा दूसरे में एस क्यों नहीं लगा है। तो ये डाउट आपका अभी मैं क्लियर कर दूंगा। इससे पहले एक सेंटेंस और देख लेते हैं, द टीचर टीचर टीचेस। अब यहां मैंने ई एस का यूज किया है, तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि सर यहां ई एस का यूज क्यों हुआ है। दे कैच, यहां ओनली मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है अगेन। तो ये अब इन सेंटेंस को देखकर आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आए हैं कि सर यहां एस का यूज क्यों हुआ, यहां ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों हुआ, यहां ई एस का यूज क्यों किया और यहां ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों किया, ये जो डाउट है ये आपके यहां क्लियर होने वाले हैं। तो यहां देखिए आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करना, पहले आप ये समझ लो कि प्रेजेंट सिंपल के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करना है। फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको तब करना है जब आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो। प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, दे वी यू आई, स्टूडेंट्स टीचर्स बॉयज, ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन। बहुवचन मतलब जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तब वो प्लूरल होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर हमें
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है कब, जब प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस हो। तो यहां देखिए कि यहां दे है, इस एग्जांपल के अंदर दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। यहां मैंने एरो कर रखा है फर्स्ट फॉर्म के नीचे कि फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करना है, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज तब करना है जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। प्लूरल सब्जेक्ट में आपको एस एस नहीं लगाना, ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर? देखो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सारे सारे प्लूरल है और प्लूरल के साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यहां जो है दे ड्रिंक कॉफी, तो दे यहां पर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। नेक्स्ट देखो यहां दे अगेन, यहां पर ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यहां दे प्लूरल सब्जेक्ट है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मैंने यहां यूज किया है। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब आगे देख लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस का यूज हमें कब करना है। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज करना होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मैं बता देता हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम वॉटर स्टूडेंट टीचर बॉय, ये सारे जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको एस और ईएस का यूज करना है। अब यहां पर आ जाइए, इस एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में ही ड्रिंक्स कॉफी। अब यहां पे जो ही जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सिंगुलर है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ड्रिंक के साथ में किसका यूज किया है, एस का यूज किया है। नेक्स्ट देखो यहां द टीचर, टीचर यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओनली टीचर एक ही है, तो एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहां टीच के साथ में मैंने ई एस का यूज किया है। अब यहां ई एस का यूज किया, यहां एस का यूज किया, फिर से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सर यहां ऊपर एस का और यहां ई एस का यूज क्यों किया है, तो आराम से रुकिए, तसल्ली से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि एस ई एस का यूज कैसे करना है, तो घबराना नहीं है। यहां मैंने ई एस का यूज किया है, यहां मैंने एस का यूज किया है, दोनों में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमें एस ई एस का यूज करना है। ये बात आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि एस का यूज कब करना है, ई एस का यूज कब करना है, तो चलिए यहां आ जाइए। देखो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज कब करना है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आपको एस ई एस का यूज करना है। कब एस का यूज करना है, कब ई एस का यूज करना है, ये मैं आपको यहां बताता हूं। तो ये आप बॉक्स के नीचे एरो देख रहे हो, यहां एस ई एस मैंने लिख रखा है। तो देखो यूज ई एस, अब आपको ई एस का यूज कब करना है, ई एस का प्रयोग कब करना है, व्हेन वर्ब एंड विथ, जब आपकी मैन वर्ब जो है, ये सारी जो ब्रैकेट में लिखी थी ये मैंने मैन वर्ब लिखी थी, तो मैन वर्ब जब एस एच सी एच एस एक्स जेड ओ इनके साथ में खत्म होता हो तब आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है। जब वर्ब के एंड में एस एच सी एच एस एक्स जेड ओ आए तब आपको क्या लगाना है, ई एस का यूज करना है। अदरवाइज जितनी भी वर्ब है उन सब में आपको एस का यूज करना है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ब लास्ट में, जो वर्ब के लास्ट में जो लेटर है वो क्या है। अगर लास्ट में एस एच है, सी एच है, एस है, एक्स है, जेड है, ओ है, तो आपको किसका यूज करना है, ई एस का यूज करना है, अदरवाइज आप एस का यूज करोगे। अब देखो यहां टीच के एंड में क्या है, सी एच, तो मैंने क्या लगाया, ई एस। तो वापस इस एग्जाम्पल पर आ जाओ, यहां एग्जाम्पल देख लो, टीच में यहां सी एच है ना एंड में, इसलिए मैंने इसमें क्या ऐड किया है, ई एस ऐड किया है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो कैच के एंड में क्या है, सी एच है, तो मैंने यहां क्या लगाया, ई एस, तो बन गया कैचेस। गो में ओ है इसलिए ई एस, डू में ओ है इसलिए ई एस डज। तो ये जो एस ई एस का यूज है ये आपको दिमाग में सेट करना है, एस का यूज अल्टीमेटली आप समझ जाओगे कि एस का यूज कहां करना है। ई एस का यूज करना सीख लो, एस का यूज बाकी सभी वर्ब के साथ में आपको करना है। तो यहां देखो, यहां ये बात समझ लो कि यहां जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दे कैच फिशेस डेली, यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है तो हमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, इसलिए यहां कैच है लेकिन यहां ई एस का यूज नहीं हुआ है। तो ये बात आपको पहले ये समझना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करना है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो।
SES का यूज कब करना है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो. ES का यूज कब करना है? जब वर्ब के एंड में SH, CH, S, X, Z और O आया हुआ हो, तब आप क्या यूज करोगे? ES यूज करोगे. आगे मैं आपको इन टेंसेस का यूज, टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगा कि कैसे आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे कि इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट कंटिन्यूज है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है. तो कैसे आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन से टेंस का है, तो वो भी रूल्स मैं आपको आगे बताऊंगा. तो आई होप ये सारा आपके दिमाग में क्लियर हो गया, ये चीज़ें वापस समझ में आ गई. चलो एक बार रिविजन कर लेते हैं अपने दिमाग में, वापस मेरे साथ में आप रिपीट करो. प्रेजेंट सिंपल टेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ SES, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस. अब वापस आप ध्यान दो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करना है? जब सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES का यूज कब करना है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो. सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको SES का यूज करना है. ES का यूज कब करना है? जब वर्ब के एंड में SH, CH, S, X, Z और O आया हुआ हो, तब आपको ES का यूज करना है, अदरवाइज आप S का यूज करोगे. फिर से एग्जांपल पर आ जाओ. ही यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ड्रिंक के साथ क्या लग गया? S लग गया. दे यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ड्रिंक के साथ कुछ भी नहीं लगाना, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि प्लूरल जब होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. ऑल राइट. नेक्स्ट है द टीचर. टीचर यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है तो टच टीच के साथ में ES लग गया, बन गया टीचर्स. अस इंग्लिश. दे वापस दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया कैच. ऑल राइट. नेक्स्ट प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहां हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. किसका यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब. नेगेटिव सेंटेंस जब प्रेजेंट सिंपल का हम नेगेटिव सेंटेंस सॉल्व करते हैं तो डू डज हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, डू या फिर डज. फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो मैन वर्ब की यहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगी. मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां पर आपको SES का यूज नहीं करना है क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू डज. फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर सेंटेंस. अब यहां जो डू एंड डज का यूज है ये भी आप समझ लोगे कि डू कहां यूज करना, डज का यूज कहां करना है. पहले एग्जांपल देख लो इसके. अब नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस जिनके अंदर क्या आया हुआ होता है? नॉट. तो ये जो सेंटेंस है ये सारे नेगेटिव के हैं. नॉट सेंटेंस के अंदर आया हुआ होगा आपके. यहां मैंने नॉट नहीं लिखा है, मैंने यहां नॉट लिख दिया है. नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिनमें नॉट आया हुआ हो. तो ये सारे सेंटेंस हम प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में बनाएंगे. तो यहां पर आप देखिए मैं क्या करता हूं कि सी डज नॉट, सी डज नॉट प्ले. अब यहां मैंने डज नॉट किया है. यहां देखिए दे डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क. नेक्स्ट द बॉय डज नॉट रीड. The girls do not read. अब यहां देख लीजिए, यहां मैंने कुछ सेंटेंसेस जिनमें does का यूज किया है, कुछ सेंटेंसेस जिनमें मैंने do का यूज किया. फर्स्ट सेंटेंस सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहां मैंने does का यूज किया है. दे डू नॉट वर्क डेली, यहां मैंने do का यूज किया. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक किया होगा कि सर does का यूज और डू का यूज कैसे होगा, कहां हमें डज का यूज करना है, कहां हमें डू का यूज करना है, ये हमें बताइए. तो ये भी बता रहा हूं. तो यहां देखिए आपकी सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट देख लीजिए कि सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने यहां डज का यूज किया है. दे यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए मैंने डू का यूज किया. तो यहां आप देखिए डू का यूज कब करना है? विथ प्लूरल सब्जेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल. अब इससे थोड़ी देर पहले आपने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एक बार फिर मेरे साथ में आप रिपीट कीजिए. दे, वी, यू, आई, गर्ल्स, बॉयज, ये क्या है? ये है प्लूरल सब्जेक्ट. अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, बॉय, टेबल, पेन. ऐसे अगर सब्जेक्ट हो तो वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट.
सब्जेक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट के साथ एसईएस लगा हुआ होता है तो वो सब्जेक्ट प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जिनके साथ एसईएस नहीं लगा हुआ होता या फिर जो ही सी इट नेम जो है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब वापस एग्जाम्पल पर आइए आप। यहां पर द बॉय, बॉय मीन्स सिंगल बॉय, अकेला बॉय है, एक वचन है, ठीक है। हिंदी में सिंगुलर को क्या बोलते हैं? एक वचन। तो यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने किसका यूज कर दिया? यहां पे डज का यूज किया। द बॉय डज नॉट रीड बुक्स। नेक्स्ट है द गर्ल्स डू नॉट रीड बुक्स। यहां पे जो गर्ल्स है ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने यहां डू का यूज किया है। तो ये क्लियर है डू डज का यूज आपको कैसे करना है। डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट भी मैंने नोट किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी मैंने नोट किया है। तो ये सिंगुलर प्लूरल जो सब्जेक्ट है ये आपके दिमाग में अब तक सेट हो गए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहां हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस जब प्रेजेंट सिंपल का हम नेगेटिव सेंटेंस सॉल्व करते हैं तो डू डज हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, डू या फिर डज। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो मेन वर्ब की यहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां पर आपको एसईएस का यूज नहीं करना है क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू डज। फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर सेंटेंस। अब यहां जो डू एंड डज का यूज है ये भी आप समझ लोगे कि डू कहां यूज करना है, डज का यूज कहां करना है। पहले एग्जांपल देख लो इसके। अब नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस जिनके अंदर क्या आया हुआ होता है? नॉट। तो ये जो सेंटेंस है ये सारे नेगेटिव के हैं, नॉट सेंटेंस के अंदर आया हुआ होगा आपके। यहां मैंने नॉट नहीं लिखा है, मैंने यहां नॉट लिख दिया। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिनमें नॉट आया हुआ हो। तो ये सारे सेंटेंस हम प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में बनाएंगे। तो यहां पर आप देखिए मैं क्या करता हूं कि सी डज नॉट, सी डज नॉट प्ले। अब यहां मैंने डज नॉट किया है, यहां देखिए दे डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क। नेक्स्ट द बॉय डज नॉट रीड, द गर्ल्स डू नॉट रीड। अब यहां देख लीजिए, यहां मैंने कुछ सेंटेंसेस जिनमें डज का यूज किया है, कुछ सेंटेंसेस जिनमें मैंने डू का यूज किया। फर्स्ट सेंटेंस सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहां मैंने डज का यूज किया है। दे डू नॉट वर्क डेली, यहां मैंने डू का यूज किया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक किया होगा कि सर डज का यूज और डू का यूज कैसे होगा, कहां हमें डज का यूज करना है, कहां हमें डू का यूज करना है, ये हमें बताइए। तो ये भी बता रहा हूं। तो यहां देखिए आपकी सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट देख लीजिए कि सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने यहां डज का यूज किया है। दे यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए मैंने डू का यूज किया। तो यहां आप देखिए डू का यूज कब करना है? विथ प्लूरल सब्जेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल। अब इससे थोड़ी देर पहले आपने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एक बार फिर मेरे साथ में आप रिपीट कीजिए। दे, वी, यू, आई, गर्ल्स, बॉयज, ये क्या है? ये है प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, बॉय, टेबल, पेन। ऐसे अगर सब्जेक्ट हो तो वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट के साथ एसईएस लगा हुआ होता है तो वो सब्जेक्ट प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जिनके साथ एसईएस नहीं लगा हुआ होता या फिर जो ही सी इट नेम जो है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब वापस एग्जाम्पल पर आइए आप। यहां पर द बॉय, बॉय मीन्स सिंगल बॉय, अकेला बॉय है, एक वचन है, ठीक है। हिंदी में सिंगुलर को क्या बोलते हैं? एक वचन। तो यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने किसका यूज कर दिया? यहां पे
डज का यूज किया, द बॉय डज नॉट रीड बुक्स. नेक्स्ट है द गर्ल्स डू नॉट रीड बुक्स. यहां पे जो गर्ल्स है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने यहां डू का यूज किया है. तो ये क्लियर है डू डज का यूज आपको कैसे करना है. डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. प्लूरल सब्जेक्ट भी मैंने नोट किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी मैंने नोट किया है. तो ये सिंगुलर प्लूरल जो सब्जेक्ट है ये आपके दिमाग में अब तक सेट हो गए. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस. प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो टाइप के. एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे वो जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं. जो हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनमें मैं आपको बता दूं कि जो आंसर होता है वो यस नो में होता है. किसमें होता है, यस नो में. ये फर्स्ट टाइप होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. सेकेंड वो होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं. डब्ल्यू एच वर्ड कौन से हैं, डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ. ये जो है ये क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है. डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले और इनके एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. यहाँ एंड में क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा, तो इनके मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. पहले वो जो डू डज या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं तो इसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए मैंने स्टार्ट में डू डज जो है वो लिखा है. अब आगे जो टेंस चेंज होगा तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं और डब्ल्यू एच वर्ड से भी स्टार्ट होता है. तो मैंने दोनों टाइप यहाँ पर लिख दिए हैं और दोनों टाइप के एग्जांपल भी मैंने यहाँ लिखे हैं. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आप समझ लो. उसके बाद में मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो यूज है वो आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं. सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो वही है कि यूज कैसे करना है. ज़्यादातर एग्जाम्स जो होते हैं उनमें गैप फिलिंग आती है और गैप फिलिंग में आपको करेक्ट फॉर्म का यूज करना होता है, तो वो भी हम आगे पढ़ लेंगे इसमें. तो पहले आप ये जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की वो आप समझ लो. सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया, मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी. तो पहला सेंटेंस देख लीजिए. फर्स्ट सेंटेंस जो एग्जाम्पल का मैंने लिखा है, स्पेस यू स्पेस नो मिस्टर राजेश. तो यहां पर देखो सब्जेक्ट यू है. यू जो सब्जेक्ट है वो हमने किस में रखा था, प्लूरल में रखा था. जो प्लूरल सब्जेक्ट है यू, तो हमें डू एंड डज में से क्या यूज करना है, यहां पर हमें डू का यूज करना है बिकॉज ऑफ यू. यू के साथ में डू का यूज होगा, डू यू नाउ मिस्टर राजेश. ऑलराइट, अब देखो डू डज के बाद में यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा. तो मैंने यहां ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ही लिखी हुई होगी. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट एग्जांपल में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है. सब्जेक्ट क्या है, सी. सी के साथ में किसका यूज होता है, डज का यूज होता है. तो यहां क्या लिख देंगे हम, डज. डज सी गो टू मार्केट, डज सी गो टू मार्केट. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल द स्टूडेंट. यहां द स्टूडेंट, स्टूडेंट एक ही है, तो यहां हमें क्या करना है, डज का यूज करना है. डज द स्टूडेंट प्ले क्रिकेट डेली. अब यहां पर आपको सब्जेक्ट प्लूरल मिलता है, जैसे द स्टूडेंट्स हो जाता है, तो आपको यहां क्या करना है, यहां आपको डू का यूज करना है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी उसके साथ में सिंगुलर आएगी. सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी वहां पे प्लूरल आएगी. नेक्स्ट एग्जांपल, अब मैंने ये बताया कि डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप होता है. तो यहां पर देखो, यहां डब्ल्यू एच वर्ड आ गया व्हाट, व्हाट यू रीड इन स्कूल. यहां पर क्या करना है, यहां पर भी यू है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है. तो व्हाट डू, यहां क्या लिख देंगे, डू. व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड इन स्कूल. ऑलराइट, ये डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस है. वेयर दे लिव इन इंडिया, वेयर दे लिव इन इंडिया, तो वेयर जो है डब्ल्यू एच वर्ड है. यहां पर भी सब्जेक्ट को ही नोट करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यहां पे प्लूरल है, तो किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे. वेयर डू दे
लिव, वेयर डू दे लिव इन इंडिया। तो ये थे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब डू डज, डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं, इंग्लिश का पेपर देते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड क्लासेस में CBSE RBSE सारे जितने भी बोर्ड है सब में टेंस आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, वेयर वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है इनके जो डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, वो अब हम क्लियर करेंगे। तो यूज हम जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेंस का कि यूज कैसे करना होता है, कहाँ और क्या देख के हमें यूज करना होता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कैसे करना है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रूल इसका। इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको मैं 6 or 7 रूल्स बताऊंगा जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कंप्लीटली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फर्स्ट एडवर्ब, प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स कौन कौन सी है। अब एडवर्ब जब सेंटेंस में आई हुई होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो एडवर्ब देख लीजिए, ऑलवेज, डेली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, ओकेजनली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, एवरी डे, ईच डे, every week, every year, every week, every day, every year, every month, each day, each month, each year, ठीक है। on Sunday, on Monday, on Sunday, on Monday, once a day, once a week, twice a week, thrice a week, ठीक है। ये जब सेंटेंस के अंदर आए हुए होंगे तो उसमें कौन सा टेंस यूज करना है, उसमें यूज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये जो एडवर्ब्स मैंने यहाँ बोर्ड पे नोट किए, ये एक एडवर्ब्स आपके दिमाग में आपको सेट करना है, ऑलवेज, डेली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, ओकेजनली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, एवरी डे, ईच डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, ऑन संडे, ऑन मंडे, वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ। ये एडवर्ब्स जो है ये सारी किसकी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की है। सेंटेंस में आपको ये एडवर्ब मिले तो वहां आपको किसका यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। ये सबसे सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, सबसे इजी रूल है जो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देख लीजिए कि सेंटेंस कैसे आएगा और कैसे एडवर्ब दी हुई आएगी।
ये एग्जांपल्स है रोहित ऑलवेज, यहाँ रोहित क्या है सब्जेक्ट, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब के साथ में किसका यूज करना होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, एसईएस का। सबसे पहले सेंटेंस की रीडिंग लगाने के बाद में आपको क्या पता करना है कि इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर देखो ऑलवेज आया हुआ है, ऑलवेज जो है वो हमें बताता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ऑलवेज से पता चला कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एसईएस का यूज करना होता है। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहां सब्जेक्ट रोहित सिंगुलर है तो हमें वर्ब के साथ एसईएस का यूज करना है। अब एसईएस का यूज कैसे करना है? वर्ब के एंड में के है तो यहां पर हम सिंपली क्या यूज कर देंगे? एस यूज कर देंगे। रोहित ऑलवेज वर्क्स हार्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट दे प्ले क्रिकेट डेली। यहां पर क्या आइडेंटिफिकेशन, यहां क्या पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल है, डेली आया हुआ, डेली एडवर्ब से पता चला कि यहां कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहां हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहां ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माई ब्रोदर वॉच मूवी ईच डे। यहां पर क्या करेंगे, यहां माई ब्रोदर वॉच, अब वॉच में सी एच आया एंड में, माई ब्रोदर यहां सिंगुलर है तो यहां हमें ई एस का यूज करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि ई एस और एस का यूज कैसे करना है। तो यहां आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चला, ईच डे से पता चला कि यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ये जितनी भी एडवर्ब सेंटेंस में मिले तो वहां आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर सेंटेंस सिंपल है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का यूज करना है। सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आपको डू डज का यूज करना है, वैसे ही सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आपको डू डज का यूज करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आई होप ये यहां तक के रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपके जब सेंटेंस में गे फिलिंग आती है या यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म जब सेंटेंस में दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, यूज कैसे करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। साथ ही साथ आपको अब ये भी मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अभी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्टडी की, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने सीखा, तो अब आपके सामने सेंटेंस आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करोगे आप, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कैसे करोगे आप, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो रूल लेकर आया हूँ वो है एडवर्ब रिलेटेड रूल। एडवर्ब जब सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल की जो एडवर्ब है वो कौन कौन सी है, एडवर्ब जब सेंटेंस में आए तो हम कैसे यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो आप देख रहे हो कि डेली, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, ओकेजनली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, एवर, नेवर, एवरी डे, ईच डे, ऑन संडे, वंस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ये जो एडवर्ब है ये सारी किसकी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की है। सेंटेंस में ये एडवर्ब आपको मिले तो वहां आपको किसका यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। सेंटेंस आपका अगर सिंपल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज करना है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब डू डज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। ये एडवर्ब आप जरूर लर्न कर लो, ये एडवर्ब आप याद कर लो, एडवर्ब आपके दिमाग में सेट हो जाएगी तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो एक बार और देख लो, रिपीट कर रहा हूँ, डेली, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, ओकेजनली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, एवर, नेवर, एवरी डे, ईच डे, ऑन संडे, वंस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ये एडवर्ब आए तो उसमें कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ही वियर हेलमेट डेली। इस सेंटेंस के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, इसके अंदर देखो डेली आया हुआ है, डेली जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की है। डेली से हमें पता चला कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमें सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है, ही, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिंपल होता है तो हम वर्ब के साथ में एस ई एस का यूज करते हैं। यहाँ वियर के एंड में एस है, सॉरी आर है, तो आपको किसका यूज करना है, एस का यूज करना है, तो हो जाएगा वियर्स, ही वियर्स हेलमेट डेली, वह हमेशा हेलमेट पहनता है, रोज हेलमेट पहनता है। नेक्स्ट है मोहित, नेक्स्ट एग्जांपल है मोहित ऑलवेज अर्न मनी। मोहित ऑलवेज अर्न मनी में यहां पर जो एडवर्ब है ऑलवेज, ऑलवेज से पता चलता है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है।
अब यहाँ हमें सब्जेक्ट देखना, जैसे ही हमें पता चले कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है और सिंपल सेंटेंस है तो हमें सब्जेक्ट पे आना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें मेन वर्ब का यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है? मोहित। मोहित एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो हम मेन वर्ब के साथ एसएस का यूज करते हैं। यहाँ देखो अर्न है, अर्न, अर्न में एंड में एन है तो हम किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। तो मोहित ऑलवेज अर्न्स मनी, मोहित हमेशा धन कमाता है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स कम स्कूल रेगुलरली। इस सेंटेंस की जैसे रीड करेंगे तो हमें यहाँ पता चलेगा कि रेगुलरली आया हुआ है। रेगुलरली से पता चलता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नोट नहीं आया हुआ तो सिंपल सेंटेंस है। रेगुलरली देखते ही हमें सब्जेक्ट पे आना है। सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ एस लगा हुआ है। द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। तो यहाँ ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ एसएस का यूज नहीं होगा। ये मैंने पहले आपको बताया कि एसएस का यूज तभी करना है जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फ्रेंड प्ले पबजी एवरी डे। अब इस सेंटेंस में क्या आया हुआ, एवरी डे। एवरी डे से हमें पता चला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। एवरी डे एक एडवर्ब है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है। एवरी डे से पता चला प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो माई फ्रेंड देखते हैं यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ हमें एस एस का यूज करना है। प्ले के एंड में वाई है तो क्या यूज कर देंगे, एस। माई फ्रेंड प्लेज पबजी एवरी डे। अब यहाँ क्या करना है, ये जो हैबिट है पबजी खेलने की, ये वैसे बैड हैबिट है तो पबजी अगर आप खेलते हो तो ये एक नशे टाइप का गेम है, तो प्लीज आप इसको कम कर देना। पबजी कोई अच्छा गेम नहीं है। वैसे भी मैं तो हमेशा फिजिकल गेम्स जो होते हैं उनकी एडवाइस देता हूँ कि फिजिकल गेम्स जितना मर्जी खेलो आप, लेकिन मोबाइल और ये जो गेम्स होते हैं ये आप कम खेला करो। नेक्स्ट एग्जांपल है दे फ्रीक्वेंटली अटैक ऑन एनिमी। दे फ्रीक्वेंटली, अब यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंटली जो एडवर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। फ्रीक्वेंटली से पता चला प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट दे। दे क्या है, प्लूरल है। प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना होता है। तो यहाँ अटैक का क्या होगा, अटैक। दे फ्रीक्वेंटली अटैक ऑन एनिमी। ऑलराइट, आई होप ये जो फर्स्ट रूल मैंने आपको एडवर्ब का बताया ये आपके अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है अपना यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर इसको बोल सकते हैं परमानेंट ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ। जब सेंटेंस के अंदर ऐसा सच हो जो बदला नहीं जा सकता, जो हमेशा रहने वाला स्थाई सत्य, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्थाई सत्य। जब सेंटेंस के अंदर स्थाई सत्य हो, हिंदी में भी बता रहा हूं साथ में, स्थाई सत्य हो, परमानेंट ट्रूथ हो, तब आपको किसका यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब आप जैसे ही सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको सेंटेंस के सेंस से पता चलेगा कि सेंटेंस में क्या है। जब आपको लगे कि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ या हम बोल सकते हैं परमानेंट ट्रूथ हो तो उसमें हमें क्या करना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब आप एग्जांपल देख लीजिए, द अर्थ मूव अराउंड द सन। ये एग्जांपल है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ मूव अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये एक साइंटिफिक ऑथेंटिक ट्रूथ है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। ऐसा सच जो स्थाई रहता है, जिसको कोई नहीं बदल सकता है, जो हमेशा रहेगा, उसमें हमें किसका यूज करना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो यहां पर है द अर्थ मूव अराउंड द सन, इसमें पता चल गया प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट पर आइए, सब्जेक्ट क्या है, द अर्थ। अर्थ क्या है, सिंगुलर है। अर्थ सिंगुलर है तो हमें वर्ब के साथ एसएस का यूज करना है। मेन वर्ब यहां मूव है, मूव के एंड में क्या एस आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, मूव्स कर देंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहां पर देखो मैंने मूव के साथ में क्या यूज किया है, एस का यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसएस का यूज करना होता है। कब, जब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य कौन सी दिशा में राइज करता है, ईस्ट में। सूर्य कौन सी दिशा में उगता है, ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। ये एक यूनिवर्सल रूल है, ये सत्य है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता इस सच को। हमेशा सूर्य जो है वो ईस्ट जो डायरेक्शन है उसी में ही राइज होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां देखो पता चला कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यूनिवर्सल रूल है। आप सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट फिर से क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राइज के साथ हमें एस का यूज करना हो जाएगा, राइजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑल राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी मदर लव हर चिल्ड्रन, प्रत्येक माँ अपने बच्चों से क्या करती है, प्रेम करती है, प्यार करती है, स्नेह करती है। ये भी एक यूनिवर्सल रूल है, हर माँ अपने बच्चे से क्या करती है, प्यार करती है। जो इसमें कुछ अपवाद होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, प्रत्येक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, ये बात जग जाहिर है, ये एकदम सत्य है, ये यूनिवर्सल रूल है। एवरी मदर, यहाँ क्या करेंगे, एवरी मदर, पहले तो ये समझ लो कि एवरी मदर जो सब्जेक्ट है ना ये सिंगुलर है, ये आप जरूर ध्यान में रखना, एवरी मदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ लव के साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन, प्रत्येक माँ अपने बच्चे से क्या करती है, प्रेम करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्टार्स साइन इन द स्काई, तारे जो है, द स्टार्स, तारे जो है वो कहां चमकते हैं, आसमान में चमकते हैं, ठीक है, द स्टार्स। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल हो, तो हमें एस एस का यूज नहीं करना होता, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो यहां क्या करेंगे, द स्टार्स साइन इन द स्काई, जो स्टार्स है वो कहां साइन करते हैं, स्काई में। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये था अपना सेकेंड रूल, परमानेंट ट्रूथ, स्थाई सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको हम बोल सकते हैं, जब सेंटेंस में लगे कि ये एक ऐसा सच है जो हमेशा रहने वाला है, तो उसमें आपको किसका यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर।